शहबाज शरीफ दो हफ्ते की रिलीफ को दो माह की छुट्टी में तब्दील करके वापस लौटे। वज़ीर आज़म के मुआवन इत्तला'आत फिरदौस आशिक अवान के वार कहा कि शहबाज NRO हासिल करने के लिए लंदन की सड़कें नापते रहे। ये भी कहा कि साकदार अपने दामाद और बेटे को भी साथ लेकर आते तो कानून का तकाजा पूरा हो जाता। फिरदौस आशिक अवान आज शहबाज शरीफ की वापसी पर बरस पड़ी। कहा कि बेहतर होता वो अपने दामाद बेटे और इसहाक डार को भी वापस ले आते। दो हफ्ते का रिलीफ लिया था, दो माह की छुट्टी लेकर अब वापस लौटे हैं। वज़ीर आज़म की मुआवनी तलाक फिरदौस आशिक अवान के शहबाज शरीफ पर वार जो हैं वो जारी हैं। इसी पर बात करेंगे आकिब तनवीर से। आकिब बताइएगा, आज लफ्जी वार किए हैं फिरदौस आशिक अवान ने? जी, फिरदौस आशिक अवान की जानिब से जो ट्वीट है वो किए गए, लफ्जी गोलाबारी भी की गई, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं तो उसके ऊपर उन्होंने बयान को, अगर वो वापस आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, दो हफ्ते का जो रिलीफ लिया था तो दो माह के बाद वापस आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने बेटे को और दामाद को भी लेके आते तो क्या ही कानून की बालादस्ती भी इसमें हो जाती। तो फिरदौस आशिक अवान की जानिब से शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद भी की गई और कहा गया कि वो जिस तरह से जो लंदन की सड़कों पे भागते थे, लंदन की सड़कें नापते फिरते थे, उस तरह से तो अंदाजा हो रहा था कि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। तो जो मुआवने खसूसी है वज़ीर आज़म की फिरदौस आशिक अवान, उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि जो इसके बच्चे हैं शहबाज शरीफ के वो उनको भी लेके आती और इसके साथ साथ अपने दामाद को भी लेके आती और जो लूटा हुआ पैसा है वो भी वापस करते तो कानून की बालादस्ती भी होती और सब कुछ बेहतर भी होता। लेकिन शहबाज शरीफ अगर आए हैं तो अब वो अदालतों का रोजाना की बुनियाद पर सामना भी करें और किसी किस्म का जो इस्तिस्ना है वो ना मांगे। डील की कोशिश का भी उन्होंने जिक्र किया कि डील की कोशिशें भी शहबाज शरीफ उधर जाके करते रहे लंदन में, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं सका। तो अब शहबाज शरीफ जो है वो पहुंच गए हैं और जो हुकूमती अराकीन है और जो हुकूमती अहलकार है उनकी जानिब से जो शदीद किस्म की तनकीद जो है वो ट्वीट जो खासतौर पर वो भी किए जा रहे हैं। इससे कबल भी कल भी ट्वीट किए गए वफाकी वज़रा की जानिब से भी, तहरीके इंसाफ के जो सूबाई वज़रा हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार की जानिब से भी बयान दिए गए। तो ये सिलसिला शुरू हो गया चुके मुस्लिम लीग नून और जो अपोजिशन है उनकी जानिब से जो मुमकिन एहतजाज है इसके बाद उसकी भी कॉल दे रखी है, APC भी उन्होंने बुलाया, तो इस हवाले से जो हुकूमत है वो भी काफी ज्यादा मुतहरिक इस हवाले से नजर आ रही है। ठीक है, शहबाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है। आकिब तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका।